बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने जा रही है और ये रैली लालू यादव के लिए मुसीबत बनेगी। बेतिया में 4 फरवरी को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक बड़ी रैली होने जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की रैली। समझिए, ये लालू यादव के लिए एक मुसीबत की घड़ी है, जहां एक तरफ लगातार ईडी का दबिश जो है वो लालू परिवार के ऊपर है, वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बना चुके हैं और लोकसभा चुनाव के लिए अब वो रैली करने जा रहे हैं। लालू यादव को एक तरीके से चिढ़ाया जाएगा कि देखो, जो तुम्हारे साथ था वो आज मेरे साथ आकर खड़ा है। जो नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी को कहते थे कि हम 100 से नीचे उतार देंगे उनकी पार्टी को, 303 सांसद वाली पार्टी है भाजपा, उसे 100 से नीचे उतारने के लिए नीतीश कुमार प्लानिंग कर रहे थे, विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। अब वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बेतिया में मंच साझा करेंगे। ये लंबे समय के बाद ऐसा जो है माहौल बनेगा जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साझा मंच जो है वो करेंगे और उसके बाद साझा रैली, ये भी एक बड़ा संकेत होगा। 2019 में ऐसा माहौल देखने को मिला था, क्योंकि 2019 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसमें 16 सीट जेडीयू के पाले में आया था और 17 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में और लोजपा के पाले में 6 सीट, यानी 39 सीट जो है वो एनडीए के पाले में आई थी और 1 सीट कांग्रेस के पास गया था। और अब बेतिया में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम लंबे समय से स्थगित कर दिया गया था, बहुत दिन पहले ये कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन कई कारणों की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द किया गया था। और अब ये जब कार्यक्रम होने जा रहा है तो इसमें नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ आपको नीतीश कुमार नजर आएंगे, एक मंच पर ये दोनों आएंगे। और जब एक मंच पर आएंगे तो हमला होगा राहुल गांधी पर, हमला होगा लालू प्रसाद यादव पर। ये हमला इसलिए होगा कि क्षेत्रीय पार्टी में आपको राजद और राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस, तो दोनों पर हमला स्वाभाविक सी बात है कि होना ही है। और नरेंद्र मोदी शमा बांधेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार दिया और उसका क्रेडिट जो है वो राजद ले रही है, और ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो इतने देश को बर्बाद कर चुकी है जिसको नरेंद्र मोदी जो है वो ठीक कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो बातें होंगी, और रोजगार पर चर्चा होगा, उसके बाद बिहार के विकास पर चर्चा होगा कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार आएगी, आ चुकी है, और अब बिहार का विकास होगा, देश का भी विकास होगा। और फिर ये कहा जाएगा कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए के पाले में आनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार 39 आई थी, एक कम हो गई थी, किशनगंज कांग्रेस के पाले में चला गया था और वो जेडीयू जो सीट है वो हार चुकी थी। लेकिन इस बार ये दावा है कि 40 की 40 सीटें जो है वो एनडीए के पाले में आएगा। और लंबे समय के बाद ऐसा माहौल बन रहा है कि जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर रैली करने जा रहे हैं, हालांकि इसके पहले नरेंद्र मोदी आए थे विधानसभा कार्यक्रम में, लेकिन वो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन ये पार्टी का कार्यक्रम है और चुनावी रैली है। चुनावी रैली को संबोधित करने नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके साथ नीतीश कुमार नजर आएंगे। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।